टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में इस बार रच सकती है इतिहास, ये 3 करोड़ सीरीज जीतने की तरफ कर रहे इशारा। टीम इंडिया के इन 3 ताकत को देखकर अफ्रीकी टीम के होश उड़े। T20 और वनडे के बाद अब टेस्ट में भी खौफ। रोहित शर्मा की कप्तानी के रिकॉर्ड को देखकर अफ्रीकी टीम के कप्तान गहरे सदमे में। ऐसे जीतेगी टीम इंडिया सीरीज। रोहित शर्मा की सेना 26 दिसंबर से पहले टेस्ट मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। टीम इंडिया इस बार अफ्रीकी धरती पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है। बता दें कि टीम इंडिया अभी तक अफ्रीकी धरती पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास रच सकती है, क्योंकि टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है और इस वक्त वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम है। टीम इंडिया अपनी धरती के अलावा विदेशी धरती पर पिछले कई सालों से धमाल मचा रही है, क्योंकि बीते कई साल के अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी धरती पर भी टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम की है। ऐसे में इस बार अफ्रीका की पिच पर टीम इंडिया पहली बार टेस्ट सीरीज जीत सकती है। वहीं इस बार टीम इंडिया इन 3 कारणों से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर सकती है। ये 3 पॉइंट टीम इंडिया की ताकत को दर्शा रहे हैं। तो चलिए एक एक कर 3 कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी का अनुभव। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पास कैप्टेंसी का अच्छा खासा अनुभव है। अब तक कुल 9 टेस्ट मुकाबले में इन्होंने कप्तानी की है, जिनमें 5 में जीत और 2 में हार मिली है, साथ ही 2 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। रोहित ने अब तक विदेशी धरती पर सिर्फ 2 टेस्ट में ही कप्तानी की है, जिनमें श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से जीत मिली थी। रोहित का विदेशी धरती पर टेस्ट में जीत का प्रतिशत 100 है। रोहित शर्मा गजब की फॉर्म में है, वनडे वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखा रहे हैं, साथ ही टेस्ट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहेगा। दूसरा कारण, भारतीय टीम के पास शानदार और एक मजबूत मिडिल ऑर्डर है। हालांकि इस बार चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, जो टीम इंडिया के टेस्ट मुकाबले के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, वो नजर नहीं आएंगे। इन दोनों की जगह पर युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताया गया है। मिडिल ऑर्डर में सबसे मजबूत प्लेयर के रूप में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जोड़ी नजर आएगी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया था। अय्यर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और 6 नंबर पर केएल राहुल नजर आ सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, जो युवा प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ये 4 नंबर पर नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों मिडिल ऑर्डर में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा कारण, टीम इंडिया के पास मजबूत और अनुभवी गेंदबाजी लाइनअप है। टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। करीब 1 साल बाद वो टेस्ट मुकाबले में मैदान पर नजर आएंगे। आखिरी बार वो विदेशी धरती पर जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ नजर आए थे। ऐसे में करीब 15 महीने बाद वो अफ्रीका टेस्ट सीरीज से वापसी कर रहे हैं। विदेशी धरती पर बुमराह एक काल बनकर नजर आते हैं। तेज पिच पर अपनी खतरनाक स्विंग और यॉर्कर से बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करते हैं। बुमराह टीम इंडिया के वर्तमान टेस्ट मुकाबले के सबसे सफल गेंदबाज हैं। अब तक के 30 टेस्ट मुकाबले में इनके नाम कुल 128 विकेट है। वहीं अफ्रीकी पिच पर स्पिन गेंदबाजी में आर अश्विन का जादू दिखाई देता है। अश्विन टीम इंडिया के वर्तमान में सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं। अश्विन किसी भी पिच पर अपनी गेंद से विकेट निकालना जानते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को तेज गेंदबाज के साथ स्पिन गेंदबाज से भी बड़ी मदद मिलेगी। दोनों मिलकर विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। इसके साथ विदेशी धरती पर मोहम्मद सिराज भी अपनी गेंद से कहर बरपाते नजर आएंगे, क्योंकि सिराज सबसे खतरनाक नजर आते हैं, खास तौर से विदेशी धरती पर। कुल मिलाकर टीम इंडिया के पास अफ्रीकी धरती पर सीरीज जीतने का शानदार मौका है। ऐसे में रोहित शर्मा इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे टीम इंडिया पर आपको कितना भरोसा है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।